Hey guys, what is up? Welcome back to our video again. So guys, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है कि आज की इस वीडियो में हम जो हमारी साइकिल की जो ताड़ी उसको टाइट करने वाले हैं, तो इस उस ताड़ी को जैसे हम जीरो रुपीज़ में करने वाले एकदम घर पे होममेड तरीके से, मतलब होम के जो टूल्स रहते हैं ना जो घर पे अवेलेबल रहते हैं उनके साथ करने वाले हैं। तो गाइस उसके पहले मैं आपको बता चाहूँगा कि कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो ये है कि जो ये टूल यूज़ करने वाला है, अगर प्लस ये आप इससे यूज़ कर सकते हैं, इससे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम ही टूल है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी साइकिल की ताड़ी उसको टाइट करना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है। तो गाइस होता क्या है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो इसके ऊपर गाइस प्रेशर आता है, तो जब ताड़ी टाइट रहती है तो एकदम ये परफेक्ट रहता है, मुड़ नहीं पाता, लेकिन जैसे जो ताड़ी जो ढीली हो जाती है ना एकदम, तो ये जो है मतलब ढीली हो गई है, यहाँ से जब इसको साइकिल चलाएंगे प्रेशर आएगा तो हल्का सा नीचे दबाओगे तो हल्का सा ऊपर आएगा, तो मतलब इसका जो शेप है ना गोल एकदम जो परफेक्ट शेप रहता है एकदम गोल नहीं रहेगा। इसलिए गाइस ये कारण रहता है कि आपको ताड़ी जो टाइट करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप अपने टूल्स को गाइस तैयार रखिए। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि इसकी ताड़ी एकदम ढीली है, देख पा रहे हैं, अब इसको एक हाथ से ला रहा हूँ लेकिन देखिए कितनी ढीली है। और गाइस ये जो देख रहे हैं आप एकदम टेढ़ी दिख रहेगी आपको, और गाइस मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप जब फोर्स लगाएंगे तो ताड़ी टेढ़ी होगी, आपका जो रिम है जो रहता है ये सर्कल शेप ये बिगड़ेगा। तो गाइस मेरी ढीली थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, तो देखिए एकदम टेढ़ी हो चुकी है। तो गाइस अब अपन जरा इसको एकदम टाइट कर लेते, देखिए कितनी ढीली हुई है, ढीली होने के कारण गाइस इतनी मुड़ी हुई है। तो गाइस ताड़ी को टाइट करने के लिए आपको ये टूल लगेगा, मैंने आपको पहले बता दिया है, आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं बड़े वाले को, लेकिन अभी जो है मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस क्या करना है आपको, इसमें जो है इसको फंसाना है इस तरीके से, उसको फिर दबाना है और इसको राइट टू लेफ़्ट घुमाना है इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे राइट टू लेफ़्ट घुमाना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें आवाज़ आई अभी, मतलब कि टाइट हो रहा है, देखिए इस तरीके से। और फिर जैसे आप घुमाएंगे ना इसको, तो ये जैसे ही आप इसको घुमाएंगे ना तो आपको देखेगा ये जो है ना ये भी एकदम घूमेगा, जिसका मतलब कि सही में टाइट हो रहा है। तो गाइस अब ये जो है गाइस जैसे कि देख पा रहे टाइट तो हो चुका है एकदम, देखिए टाइट तो एकदम हो चुका है अच्छे से, लेकिन गाइस ये अब मुड़ चुका है, तो मतलब क्या बताऊँ, आप ऐसी गलती ना करें, आप सबसे पहले इसको टाइट ज़रूर करें। हो गया ऐसा, हो सकता है मैंने ये जस्ट अभी देखा वीडियो रिकॉर्ड करते समय। तो गाइस आपको वही सेम चीज़ आपको यहाँ पीछे वाले टाइम में भी करना है, वही अब टूल अपना करना है, उसको वैसे घुमाना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, आपको पूरा अच्छे से वैसे घुमाना है एकदम बड़े तरीके से। वैसे भी आप दिख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो इसको टाइट तो कर दिया है, अब वैसे आप देखेंगे कि आपको थोड़ा बहुत दब रहा है, देखिए इस तरीके से थोड़ा बहुत, देखिए थोड़ा बहुत अंदर हिलेगा। अब गाइस वो मैंने घर पे करा, घर वाले टूल से करा, एकदम एग्जैक्ट टूल से नहीं करा, इसलिए गाइस ऐसा होगा, लेकिन गाइस आपका काम अच्छे से चल जाएगा, आप इसको अच्छे से ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपने गाइस इस साइकिल के रिव्यू नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इस साइकिल के रिव्यू जाके देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो जो रिव्यू है वो स्पेशल रिव्यू है, क्योंकि मैंने उसको 1 ईयर के बाद अपनी साइकिल का रिव्यू करा था, तो आप उसको एकदम बढ़िया तरीके से देखिए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, एंड हाँ गाइस एक और चीज़ गाइस, अब मैं साइकिल से रिलेटेड और सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, स्पेशली गाइस आप अपनी साइकिल को सर्विस कैसे कर सकते हैं। तो गाइस उसका पार्ट वन था, मतलब कि उसको पार्ट वन समझ सकते हैं, मैंने उसके भी इसके ताड़ी टाइट करना बताया, बाकी चल गई इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स को कवर अप करने वाला हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड हाँ गाइस इसके ऊपर मैं अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, 1K करना है गाइस, इस बार 1K।